ऋषभ से दिन दहाड़े 30 लाख की लूट, दुकानदार और ग्राहकों को बंधक बनाकर पीटा। जिले में अपराध की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। शुक्रवार को बहेड़ी थाना क्षेत्र के शंकर रोहार चौक पर स्थित एक ज्वेलरी दुकान में अपराधियों ने दिन दहाड़े 30 लाख रुपए से ज्यादा की लूट कर ली। अपराधियों ने सोने चांदी के गहने और करीब 1.5 लाख नकद लूट लिए। चश्मदीद के अनुसार 4 स्प्लेंडर बाइक पर सवार 6 की संख्या में आए अपराधियों ने पहले दुकान में घुसकर दुकानदार की बेटे बेटियों और वहां मौजूद ग्राहकों को बंधक बना लिया और उनके साथ मारपीट की। इसके बाद दुकान के दराजों को खुलवाकर उनमें रखी सोने चांदी के जेवर लूट ले गए। 11 बजे के समय का घटना है। लमसम आपको 30 लाख से ऊपर का माल ले लिया, सबको पिस्तौल दिखा करके गिरा करके अच्छा और सामान समेट लिया झोरा में। तो इसमें कैश कितना था? कैश 1.5 लाख के लमसम में था और सोना चांदी था। काउंटर पे कितने लोग थे? काउंटर पर हम एक बच्चा था, मेरा बच्चिया था और स्टाफ सब काम कर रहा था अपना। 6 आदमी आया था, 4 गाड़ी था, 5 ही अभी पल्सर था, लगाया 2 अंदर में 2 बाहर लगाया। उसके बाद हम लोग को शीशे सटा दिया, लात भी मारा, अंदर दे दिया। उसके बाद पूरा दरवाजा खोल के सब सामान ले गया। उसके बाद हमारा गाड़ी का चाबी भी ले गया, 5000 रुपया जमा था वो भी ले गया। उसके बाद बहुत मार मारा हमको, जो लगा जो मारवे किया। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।